हाँ जी, तो ये लिमिट अप्लाई करने से लेफ्ट वाला और राइट वाले का आंसर चूंकि सेम आ रहा है, तो हम लिख सकते हैं 10 by sandwich theorem. हाँ जी, क्या लिमिट एक्स वाई अप्रोचेस टू 0 0 ऑफ द फंक्शन 4 - 4 cos एक्स वाई मोड स्क्वायर रूट और एक्स वाई मोड, इसका भी आंसर क्या होगा 2, और इट इज़ आर रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है जी, तो हमने आज इस सेकेंड लेक्चर में कॉन्टीन्यूटी के कुछ क्वेश्चंस देखे, और उसके अलावा सैंडविच थ्योरम हमने डिस्कस किया, और उसको फिर सैंडविच थ्योरम को क्वेश्चन में भी अप्लाई किया। ठीक है जी, तो इन दोनों लेक्चर्स में, फर्स्ट लेक्चर और सेकेंड लेक्चर जो हमने किया है, इसमें हमने किन किन चीज़ों को कवर किया है, लिमिट को कवर किया है, कॉन्टीन्यूटी को कवर किया है, और थोड़ा सा हमने सैंडविच थ्योरम को डिस्कस किया है। ठीक है जी, तो ये इससे रिलेटेड सारे क्वेश्चन लिमिट के, कॉन्टीन्यूटी के, और ये सैंडविच थ्योरम के सारे क्वेश्चन जो हैं, आप एक्सरसाइज 14.2 में आपको ये सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे। ठीक है, तो आपने इन दोनों लेक्चर्स को, जो मैं आपको लिंक भेजूंगा, ठीक है, आपने उस लिंक के ज़रिए यूट्यूब के ऊपर जो है इन लेक्चर्स को जो है अच्छे तरीके से देखना है। ठीक है, ना सिर्फ देखना है, बकायदा उसके नोट्स भी बनाने हैं, और जब जूम के ऊपर जो है क्वेश्चन और आंसर का सेशन होगा, तो वहाँ पे जो ये आपको मैं होम टास्क दे रहा हूँ, यानी कि इसमें मैंने आपको बताया